201 के लिए 6 डिजिट का अंक बोला जा रहा है, बोलिए 124284, फिर से बोलिए 124284, फिर से बोलिए 124284, वेरी गुड। ये हमारे 201 अवधान संपूर्ण हुए। अभी सभी से हाथ जोड़ के विनंती, ध्यान देना बहनों, माता जी, भाई जी, प्लीज अभी जो है हमारे महिमा जी उल्टा आंसर देंगे, 201 से 1 तक उल्टे आंसर देंगे और गरिमा जी सीधे आंसर देंगे और दोनों, याद रखो, दोनों उल्टे सीधे बोल सकते हैं। टाइम अगर आप देते हो तो दोनों सीधे उल्टे बोलेंगे और रैंडम भी बोलेंगे, आपको बस अब टिक मारते जाना है। 5 मिनट के लिए आप सभी अपने अपने आंखें बंद और उनके शतावधान की मंगल कामनाएं करिए और 2 मिनट में आपके सामने आंसर्स शुरू हो जाएंगे। 2 मिनट में आपके सामने आंसर्स, बीच में अगर कहीं रुक भी जाए तो कोई भी हू हा ना करे, ध्यान से सुनते रहिए बस और टिक मारते जाइए आप। दो मिनट मन ही मन उनके शतावधान की मंगल कामना। सद्गुरुनाथ की अनंत आस्था के प्रतीक श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय मेरे साधना में मुझे हमेशा सहायता करने वाले साधनाशील घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री मिश्रीलाल जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुनिमया श्री प्रभाकवर जी महाराज साहब, श्रमण सूर्य मरुधर केसरी श्री मिश्रीलाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवान परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब तथा समस्त स्वर्गस्थ दिव्य शक्तिशाली आत्माओं को आप और हम सभी प्रणाम करते हैं, सत सत वंदन करते हैं। ध्यान योगी परम श्रद्धेय परम पूज्य राष्ट्र संत शिव मुनि जी महाराज साहब के तथा समस्त जितने भी मेरे से बड़े महापुरुष हैं उन सब के चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, आपने अभी देखा आप कितनी बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति एक बात बोलते बोलते यदि बीच में कोई दूसरा बोलता है तो कड़ी टूट जाती है। अपन कितनी बार बीच में बोले और अब मैं बोल रही हूं, ध्यान रखना है कि अब मैं, ऐसे घंटों घंटा घंटा बीच में निकल जाते हैं और अवधान करने वाले बाद में भी जवाब दे सकते हैं। तो क्या है कि जब मेमोरी को स्ट्रांग बनाना होता है तो उस समय पर मेमोरी को एक प्रैक्टिकल रूप से स्टडी कराई जाती है, एक साधना कराई जाती है। कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई न चमत्कार है न साक्षात्कार है, कुछ नहीं है, ये हमारे जैन दर्शन के द्वारा की हुई उत्तराध्यन सूत्र के 11वें अध्ययन एवं भक्तामार का 6ठा श्लोक एवं गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब के गुरु गणेश अष्टकम में से कुछ पॉइंट ले करके यह साधना करवाई गई है। नमो उवज्जायाणम, इस पद को साथ में रख करके यह हमारे जैन संस्कृति की श्रुत देवी का आह्वान करके यह श्रुत आराधना के द्वारा क्या किया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। बार 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 मेडिटेशन सहित साधना इन चीजों की करवाई जाती है। इसमें कोई प्रकार का बाहर का कोई आउटपुट नहीं है। मैंने जो अभी आपको बताया बस उतनी ही बातें हैं। उत्तराध्यन सूत्र का 11वां अध्ययन, नमो उवज्जायाणम, भक्तामार का 6ठा श्लोक जो आप लोग रोज बोलते हो, लेकिन लेकिन क्या होता है कि इंसान ये बातें यही रटी रटाई बोलता है और छोड़ देता है, लेकिन इसका असर गुरु गणेश अष्टकम
जब जब यहाँ गुरु हमारे गुरु परंपरा के संत या सतियों का चौमासा होता है या आते हैं तो गुरु गणेश अष्टक होता ही है, तो उसका सहारा लेकर के ये क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। और ये दो करती है हमारी, ये मोक्षा करती है, और भी जो संपर्क में आए हुए जो बच्चे हैं, मुझे लगता है करीबन 200 से 300 बच्चों को ये सिखाया गया है। हमारे प्रफुल्ला जी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खूब ज़्यादा रात दिन परिश्रम करते हैं और बच्चों को डेवलप करने का काम करवाते हैं। तो क्या है कि ये कार्य यहाँ पर आज और हम अपन सभी देख रहे हैं। अभी तक तो आपने शब्द कहे हैं, अब आप सुनोगे उल्टे सुलटे वापस बीच में से कोई तो भी एक नंबर, जैसे मोक्षा एक मिनट रुक, जैसे 164 में से कोई 164 कहेगा, कोई 17 कहेगा, कोई 174 कहेगा, इनके पास में हर शब्द या आपको कह देंगे। तो क्या है कि यह जो मेमोरी का सर्वोत्कृष्ट एक एग्जाम्पल है, उसके साथ ही साथ अभी हमारे गौतम भाई ने कहा कि बदनापुर के अंदर मैं हमेशा, मेरे जिंदगी के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और 50वां वर्ष चल रहा है, इन इतने दीक्षा काल को इतने वर्षों के अंदर मैं ज़्यादातर महाराष्ट्र में रही हूँ और मैंने देखा है महाराष्ट्र में संत बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पुष्कर ज्येष्ठ धाम के शिलान्यास के समारोह कार्यक्रम में मैं गई थी, वहाँ पर भी वृद्ध साधु संतों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मैंने देखा बहुत सारे संत हैं और जिसमें जानना में आप लोग कभी भी पुण्यतिथि के अवसर पर गए होंगे तो आपने देखा होगा 100-125 साधु संतों हर पुण्यतिथि पर यूं ही रहते हैं। तो क्या है, संतों का आवागमन उधर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर प्रायोरिटी में ट्रस्ट ने एक 5 एकड़ जगह लेकर के वहाँ पर क्या किया है, वृद्ध साधु संतों के लिए 1 एकड़ जिसमें 50,000 square feet का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और 1 एकड़ के अंदर मेडिटेशन सेंटर और बाकी का जो 3 एकड़ बचेगा उसके अंदर गुरुकुलम और मेडिकल कॉलेज ये वहाँ पर बनने वाला है। अभी प्रपोज्ड है लेकिन वृद्ध साधु संतों के लिए 50,000 square feet के भूमि के ऊपर बहुत सुंदर काम हो चुका है, जहाँ वृद्ध साधु संत हमेशा के लिए थानापंती के रूप में वहाँ पर रहेंगे और आने जाने वाले साथ भी रहेंगे। वहाँ एक वयावच सेंटर खुलेगा, वहाँ पर ऊपर आरोग्य धाम बनेगा और उसके वो क्या है पास में या ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिन बच्चों के पास में इन गरिमा महिमा के जैसी मेमोरी तो है, लेकिन जिनके पास में मेमोरी है लेकिन मनी कम है, ऐसे बच्चों को वहाँ पर फ्री सिखाया जाएगा। और जिनके पास में आर्थिक योग्यता है बराबर भरपूर है उनके पास से फीस लेकर के, रिजनेबल फीस लेकर के उनकी वहाँ पढ़ाई होगी। एक मेडिकल कॉलेज का भी वहाँ पर क्या है कि प्रावधान है, जगह लेने की भी योजना है। चलिए अब बढ़ते हम हमारे पड़ाव की ओर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, और आपके समक्ष है हमारे महाशतावधानी गरिमा जी मरा साहब। अब अपने अपने किताब बुक में बस अब आप टिक मारते जाइए और अपने दिल को थाम कर बैठिए। एंड हियर स्टार्ट्स द आंसर्स। भगवान महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? भगवान शांतिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? अभिनंदन भगवान की माता का नाम क्या था? शांतिनाथ भगवान की माता का नाम क्या था? भगवान महावीर की पुत्री का नाम क्या था? भगवान महावीर को वैराग्य कैसे हुआ? हिमालय कहाँ पर है? भगवान महावीर के काल में कितने आश्चर्य हुए? कावेरी नदी का जन्म कहाँ हुआ? इंद्रभूति गौतम कौन सी जाति के थे?
शत्रु विरुद्धार्थी मित्र चेतना समानार्थी आत्मा सूरज समानार्थी सन चंद्र समानार्थी मून अग्नि विरुद्धार्थी पानी महिमा विरुद्धार्थी निंदा जागृति जागृति समानार्थी अवेयरनेस प्रकाश विरुद्धार्थी अंधकार अंधियारा समानार्थी डार्कनेस फूल समानार्थी फ्लावर जिन्होंने भी अपनी जन्म तिथि बताई थी उनकी जन्म तिथि सप्तमी है। कौन है वो बराबर है ऐसा सही है आइजैक न्यूटन डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल सीवी रमन आइंस्टाइन राइट ब्रदर्स नारायण मूर्ति थॉमस अल्वा एडिसन पालीताना समेत शिखर जी अंबाजी पावापुरी गोल्डन टेंपल मोहन खेड़ा हरिद्वार सोमनाथ नाकोड़ा जी बद्रीनाथ नाच न जाने आंगन टेढ़ा अंधेर नगरी चौपट राजा ईद का चांद ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जैसी करनी वैसी भरनी दिया तले अंधेरा एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइस हेल्थ इज वेल्थ जिसके पास पैसा होता है उसके 100 गुना माफ होते हैं अमेरिका स्विट्जरलैंड अलास्का जापान फ्रांस टोक्यो चाइना युगांडा इंडोनेशिया साउथ कोरिया आप पार्श्वनाथ जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था वो तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान है जिनकी आप भक्ति करते हैं वो भैया कहाँ पे है जिन्होंने गरिमा जी से पूछा था पार्श्वनाथ भगवान करेक्ट करेक्ट मुझसे बोलो ना भैया हाँ बोलो ना हाँ गणेश लाल जी महाराज साहब पुष्कर मुनि जी महाराज साहब मरुधर केशरी जी महाराज साहब आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब भामा शाह अंबालाल जी महाराज साहब सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब वीर लोका शाह तुलसीदास सफेद पीला हरा काला मरून पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी ऋषभदेव भगवान श्रेयांसनाथ भगवान कुंतुनाथ भगवान दिवाली होली संवत्सरी रक्षाबंधन दशहरा क्रिसमस मकर संक्रांति उगादि शिवरात्रि भाई दूज मरुदेवी माता अचला देवी शिवा देवी वामा देवी त्रिशला देवी कौशल्या देवी अंजनी देवी सुभद्रा देवी लीला देवी यशोदा देवी 9 बार डंका बजाया था 3 पर और 6 पर मुझे स्पर्श हुआ गाड़ी की चाबी फोन मास्क जिन्होंने भी मुझे गणित का प्रश्न पूछा था उन्होंने 6 अंक में से 1 अंक को छुपाया था उनका छुपाया हुआ अंक 5 है करेक्ट है भैया 5 इन्होंने 5 इनको बताया नहीं था अंक उनको आपने अंक नहीं बताया था ना अंक आप... इनको बताया था आपने नहीं 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 बता आप बोलो गरिमा जीरो आप है गरिमा जी का आपने बताया था इनको महिमा जी का आप गरिमा जी का आप अंक नहीं बताया जी बोले मैंने वे वाला
बोलो आगे। राम लक्ष्मण सीता राधा कृष्ण देशभक्ति गीत, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, दीवानों का। हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, टेनिस, रग्बी, गिल्ली डंडा, यमुना, कावेरी, खारी, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोमती, कृष्णा, सरस्वती, अमेजॉन, भस्त्रिका, मयूरासन, वज्रासन, सुखासन, गौमुखासन, कपालभाति, ताड़ासन, वृक्षासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार, आई ड्रॉप्स, माइक, कीज, वॉलेट, कड़ा, वॉच, नोट, हेडफोन, आईडी कार्ड, रिंग, पीवी सिंधु, लाला अमरनाथ, राहुल द्रविड़, ईशांत, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर, स्टेफन कैरी, विनोद कांबले, लखनऊ, दिल्ली, इलकल, भीलवाड़ा, बैंगलोर, जयपुर, भुवनेश्वर, जालना, अमृतसर, चित्तौड़गढ़, भारतीयार, शिवाजी, मोदी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, विवेकानंद, भगत सिंह, तात्या टोपे, चश्मा, चूड़ी, बुक, एग्जाम पैड, हाथ, कंघी, कोम्ब, क्लचर, मुपत्ती, वैस्कोट, इयररिंग। बड़े मानसा ने मुझे जन्म राशि बताई है कन्या राशि। बराबर कन्या राशि, जेवन, बॉन्जोर, वनक्कम, एला उन्नाउ, शिमला, कोडाईकनाल, ऊटी, कश्मीर, आगरा, 1, 2, 4, 2, 8, 4।